सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 25 फरवरी 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, 25 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। भास्कर विशेष बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। स्कूल शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, दिव्यांग छात्रों के अनुपात में विशेष शिक्षकों की भर्ती का प्रयास करेंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से शनिवार को सेठ आनंदीलाल पौध्या राज्य के बादीर उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 193 विद्यार्थियों को अंग उपकरण वितरित किए गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दिव्यांगों को सहानुभूति नहीं सहारे की जरूरत है, हमको इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसके अलावा राज्य शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों और उनके परिजनों की सेवा के लिए हर संभव मदद करेगी। कार्यक्रम के बाद दिलावर ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की संख्या के अनुपात में विशेष शिक्षकों की भर्ती करने का प्रयास किया जाएगा। पीटे भर्ती 2023 से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट ने प्रार्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त नहीं करने के दिए आदेश। कर्मचारी चयन बोर्ड को भी नोटिस जारी। अजमेर बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश। एकल द्विपुत्री योजना में बेटियों को 51,000 तक के नगद इनाम। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आवेदन व परीक्षा को लेकर किए बड़े फैसले। आगामी नई भर्तियों को लेकर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरए, सब इंस्पेक्टर भर्तियों को लेकर। अन्य भर्तियों में वोटिंग की, चीटिंग की तो आरपीएससी में भी बैन। ये डिटेल्स सुधारी जा सकेगी। ओटीपी जूनियर और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती रिजल्ट पर रोक। 5,388 पदों पर अटकी भर्ती। जयपुर आरपीएससी सांख्यिक अधिकारी परीक्षा आज 10 मिनट ज्यादा मिलेंगे। अजमेर में 30 केंद्रों पर आयोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। शिक्षा मंत्री से की पुनर्विचार की मांग। शिक्षकों ने सत्रांक संबंधी आदेश को बताया अव्यवहारिक। नवज्योति न्यूज उदयपुर। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। प्रदेश में एक साथ होगी 4,197 पदों पर भर्तियां, आवेदन की पहल जारी। नवज्योति न्यूज जयपुर। पैरामेडिकल कॉलेज को डीएमएलटी कोर्स की काउंसलिंग में शामिल करे राजस्थान हाईकोर्ट। एक्सपर्ट संघ जांचा महात्मा गांधी स्कूलों के बच्चों का लर्निंग लेवल। यहां इंग्लिश मीडियम है। 5 साल में 205 इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, पर पढ़ाने वाले ही नहीं, असर बच्चे। फार्मासिस्ट भर्ती परिणाम जारी करने और नियुक्ति की मांग। सीफों के बाहर 5वें दिन भी अनशन जारी। एक फार्मासिस्ट की तबीयत बिगड़ी। जयपुर। इधर शहीद स्मारक पर 44वें दिन भी जारी रहा युवा मित्रों का धरना, रीट को लेकर और अन्य भर्तियों को लेकर। 55 साल से ज्यादा उम्र के शिक्षक को बीएलओ ना बनाए। जयपुर। सरकारी शिक्षा फेल। बड़ोपल का सरकारी अंग्रेजी स्कूल, एक कमरे में 5 कक्षाएं, एक अध्यापक, वो भी संविदा पर। सीबीएसई की बड़ी खामी। श्रीगंगानगर अनूपगढ़ जिले में 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए कुल 22 केंद्र बनाए, वहां सुरक्षा बिल्कुल शून्य। परीक्षा केंद्रों पर न पुलिस जाब्ता और न ही अधिकारी। प्राइवेट स्कूलों को सौंपी पेपरों की निगरानी। बोर्ड परीक्षा केंद्रों के लिए शिक्षा विभाग को नहीं मिल रहे केंद्र अधीक्षक, कई प्रिंसिपल मेडिकल अवकाश को तो किसी के परिवार में शादी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किया शोध प्रवेश परीक्षा का परिणाम। अब इंटरव्यू होगा, फिर जारी होगी मेरिट सूची। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। बोर्ड की मुख्य परीक्षा से 50% का अंतर आने पर होगी जांच। राज्य बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय अब नहीं भेज सकेंगे 20 में से 20 सत्रांक।
यदि आप करोड़पति है तो बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देके लोन लेकर पढ़ाए तो समझो आफत में आफत ले ली मोल। नवज्योति न्यूज। ZWN अप्रैल सेशन आवेदन प्रक्रिया। NTA ने आवेदन शुल्क की प्रक्रिया सुधारी। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च। अब तक 1.40 लाख यूनिक कैंडिडेट्स बढ़े। राजस्थान पत्रिका न्यूज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व CBSE बोर्ड से संबंधित गैर सरकारी स्कूलों की होगी जांच। तैयार होगी प्राइवेट स्कूलों की जन्म कुंडली। अनियमितताएं मिलने पर रद्द होगी मान्यता। स्कूल शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल श्रीगंगानगर। राजस्थान पत्रिका न्यूज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नियंत्रण कक्ष शुरू। 40 दिन तक 24 घंटे होगा काम। 12वीं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा प्रवेश पत्र अपलोड। राजस्थान पत्रिका। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अब नोटिस बोर्ड पर लगेगी मार्साफ की फोटो व परिचय। स्कूल में अंग तुकों के सहज अवलोकन के लिए निर्देशक ने जारी किए आदेश। राजस्थान पत्रिका न्यूज। बोर्ड परीक्षा में इस बार ज्यादा सख्ती। पेपर पर रफ वर्क या तो कार्रवाई होगी। मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को मिलेगी प्राथमिकता। अब साल में 2 बार हो सकेगी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। नवज्योति न्यूज। आज सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने के साथ पोर्टल भी समय पर करना होगा अपडेट। अब शाला दर्पण पर उपलब्धि होगी शिक्षकों कर्मचारियों की जानकारी। शिक्षा में नवाचार। अब गुरुजी स्कूल से नहीं हो पाएंगे गोल। UGC ने राजस्थान सहित सभी कुलपति को पत्र लिखा। विश्वविद्यालय में मेडिकल इंजीनियरिंग और MBA स्टूडेंट्स पढ़ेंगे नए क्रिमिनल लॉ 2023 के चैप्टर। भास्कर न्यूज जयपुर। आज वितरित होंगे 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर। 2 शिक्षकों के बाद शिक्षिका भी निलंबित। बीकानेर भेजा। नई भर्ती की उम्मीद। पंचायती राज में खाली पड़े कनिष्ठ अभियंता के पदों पर शीघ्र से शीघ्र भर्ती कराने का श्रम करे पंचायती राज मंत्री। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 3000 पदों पर भर्ती। भारतीय सेना ने निकाली नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। रेलवे में टेक्नीशियन के पदों पर बंपर भर्ती। RRB टेक्नीशियन भर्ती आवेदन शुल्क 9000 पदों पर विज्ञप्ति जारी।